आप सभी मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा कि ईपीएफओ ने यूनिफाइड पोर्टल पे एक नया और बहुत ही तगड़ा अपडेट कर दिया है। आज की इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ईपीएफओ ने क्या बड़ा बदलाव किया है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यूनिफाइड पोर्टल पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने यूएन नंबर एंटर कर लिया है, पासवर्ड एंटर कर लिया है और ये कैप्चा एंटर कर लिया। उसके बाद से जैसे ही हम साइन इन करेंगे ना, तो यही पे आपको देखने को मिलेगा वो नया वाला अपडेट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जो आता है वो नहीं आ रहा है, यानी कि सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है जिसके बाद से आपको ओटीपी एंटर करना होता है, वो इंटरफेस नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अलग से ई केवाईसी का पोर्टल ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ईपीएफओ ई केवाईसी और यहाँ पे एक कंसेंट है, कंसेंट को आपको टिक करना है यानी सेलेक्ट करना है और उसके बाद से ये कैप्चा एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ पे गेट आधार ओटीपी करना है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आप एंटर करेंगे, उसके बाद से सबमिट हो पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये सभी लोगों के साथ नहीं है, देख लेते हैं दूसरा यूएन यहाँ पे लॉगिन करके और उसके बाद से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्यों और किन लोगों के साथ देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूएन पोर्टल पे दोबारा से चले जाएंगे और उसके बाद से देखिए यूएन पोर्टल की वेबसाइट पे हम चले जाएंगे। इस बार हम जो यूएन नंबर एंटर करेंगे वो दूसरे पर्सन का एंटर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो हमने यूएन नंबर एंटर किया है वो दूसरे पर्सन का एंटर किया है। यहाँ पे कुछ डिटेल में दिखा दूंगा, इससे पहले कुछ और ही था लेकिन अब कुछ और है। और उसके बाद से यहाँ पे हमने पासवर्ड एंटर कर लिया है, कैप्चा एंटर कर लिया है, साइन इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो डायरेक्ट रेगुलर वाला ही ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि इनके यूएन में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओटीपी हैज बीन सेंड, इनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है। अब ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे 5 मिनट के अंदर और ये कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट करेंगे तो ये लॉगिन हो पाएंगे। तो इनके केस में ये जो पेज ओपन होकर के आ रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, लेकिन ये जो दूसरे वाले पर्सन है इनके केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई केवाईसी का पेज ओपन होकर के आ रहा है। तो इसको एक बार हम दोबारा से ओपन करते हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनके केस में ये अलग इंटरफेस क्यों देखने को मिल रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम अपने यूनिफाइड पोर्टल के लॉगिन पेज पे आ चुके हैं और इस बार फिर से हमने उस पर्सन का यूएन नंबर एंटर कर लिया है, पासवर्ड एंटर कर लिया है, जिनके केस में ई केवाईसी का पेज ओपन होकर के आ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जैसे ही साइन इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ई केवाईसी का जो पेज है वो ओपन होकर के आ चुका है। अब यहाँ पे कंसेंट है, इस पे हम टिक कर लेते हैं और उसके बाद से ये जो कैप्चा है, कैप्चा एंटर कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कैप्चा भी एंटर कर लिया, उसके बाद से गेट आधार ओटीपी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, लोडिंग ले रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके इस रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया गया है, वो ओटीपी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, ये कैप्चा एंटर करेंगे और उसके बाद से सबमिट करेंगे तो हम सफलतापूर्वक लॉगिन हो पाएंगे। अब फ्रेंड्स, हालांकि इससे पहले मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर किया था लेकिन अलग अलग टाइप के एरर मैसेज देखने को मिल रहे थे। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2024 है और 2 बजे रात को ये वीडियो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि इससे पहले जब ये प्रॉब्लम आ रही थी, जब मैंने इसको वेरीफाई करने की कोशिश किया था तो ओटीपी जा ही नहीं रहा था, अलग अलग तरीके का एरर देखने को मिल रहा था। अब भैया, इतनी रात को तो वो ओटीपी मुझे नहीं देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल में ये कुछ नया अपडेट ईपीएफओ ने किया है तो ये हो सकता है कि इनका जो भी ये यूएन पोर्टल है ना, इसमें इनका जो नंबर एड है वो आधार कार्ड में नंबर एड है, वो दोनों ही डिफरेंट है, अलग अलग है। हो सकता है कि इस वजह से ये कुछ अलग तरीके से इनको प्रोसेस देखने को मिल रहा है। अब हालांकि इससे पहले मुझे 1 से 2 महीने पहले इनसे बात हुई थी तो इन्होंने ये बताया था कि मेरा आधार कार्ड ही लिंक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है और ईपीएफओ ने ये कुछ नया अपडेट किया है कि जिन लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं है इस मेथड से वो लॉगिन कर पाएंगे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी हो सकती है। लेकिन हालांकि फ्रेंड्स, ये इसके लिए मैं डिटेल वीडियो एक और लेकर के आऊंगा जिसमें कि मैं सबसे पहले तो इनका लॉगिन करके अच्छे से इनके यूएन डिटेल्स को चेक करूंगा, अगर लॉगिन हो पाता है तो, कि इनके जो डिटेल्स है उनमें कुछ अंतर है या फिर इनका कुछ मोबाइल नंबर का ही इशू है। उसके बाद से अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि इनका इस तरीके से क्यों देखने को मिल रहा है,
ईकेवाईसी वाला पेज क्यों ओपन हो करके आ रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि भैया अगर आपके केस में भी कुछ ईवन नंबर ऐसे हैं जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो भैया सबसे पहले आपको लॉगिन करने का प्रयास करना है कि क्या इस प्रोसेस से लॉगिन कर रहे हो तो कुछ इस तरीके का इशू देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ डिटेल मिसमैच था, या फिर आपका मोबाइल नंबर कुछ और लिंक था पीएफ खाते में और आपके आधार कार्ड में कुछ और लिंक है, तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और अगर आपके साथ भी कुछ इशू ऐसा देखने को मिल रहा है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना। अगले वीडियो में मैं आपके फीडबैक को भी जरूर लेने वाला हूँ, और हालांकि उस वीडियो में अगले वीडियो में तो सारा कुछ कवर करने ही वाला हूँ कि ये जो एरर मैसेज इनको देखने को मिल रहा है या फिर ये जो ईकेवाईसी का पेज देखने को मिल रहा है इनको पार्टिकुलर क्यों देखने को मिल रहा है।